हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर कमल सिंह फ्रॉम VDM पब्लिक स्कूल। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर नंबर 3, डीप वाटर। चैप्टर 3, डीप वाटर, रिटन बाय विलियम डगलस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू द डिफिकल्ट वर्ड्स। सबड्यूड मीन्स ओवरकम, छाना, एवर्जन, डिसलाइक मीन्स घृणा, एपिंग, इमिटेटिंग मीन्स नकल उतारना, ब्रीजर स्ट्रॉन्ग एंड एग्रेसिव, डक्ट मीन्स टू मूव क्विकली, बॉब मीन्स कम अप बाहर आना, टिंज मीन्स कलर, फ्रेल्ड मीन्स थ्रेस्ड और स्टार्क मीन्स कंप्लीट। यस, बी रेडी। Deep water. This lesson has been written by William Douglas. He was born in 1898 and died in 1980. He was born in Maine, Minnesota. After graduating with a Bachelor's of Arts in English and Economics, he spent 2 years teaching his high school in Yakima. यानी उन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद याकीमा में 2 साल तक पढ़ाया हाई स्कूल में। हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस एंड डिसाइडेड टू परस्यू ए लीगल कैरियर। उनका मन उब गया इस चीज़ से और उन्होंने लीगल कैरियर यानी कि वकील बनने का सोचा। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल एंड बिकेम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट। और वो जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उनके फ्रेंड हो गए। डगलस वॉज ए लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, यानी कि उन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ के वकालत की व्यक्तिगत अधिकारों की। ही रिटायर्ड इन 1975 विद ए टर्म लास्टिंग 36 ईयर्स एट रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विस जस्टिस इन द कोर्ट इन द हिस्ट्री ऑफ कोर्ट। और वो यानी कि 36 ईयर तक कोर्ट में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया सर्विस करने का। द फॉलोइंग एक्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाई विलियम ओ डगलस। और उन्होंने एक बुक लिखी है मैन एंड माउंटेन्स। इट रिवेल्स हाउ एज ए यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउन्ड इन द स्विमिंग पूल। इस लेसन में उन्होंने बताया है कि जब वो एक बच्चे थे तो किस तरह से मतलब डूब गए थे तालाब में। इन दिस एसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड देयर आफ्टर। यानी वो बताते हैं कि कैसे यानी कि उनको डर लगा था पानी में डूबने से, हाउ ही फाइनली ओवरकम इट और कैसे उन्होंने उस भय को जीता लास्ट में। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सेलेक्शन इज यूज टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। यानी कैसे उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी का हिस्सा को सेलेक्ट करके यानी कि इस बहस जो यानी कि जो उन्होंने यानी कि भय को जीतने का के लिए जो उन्होंने बहस की है उसे कैसे सपोर्ट करते हैं। यानी उन्होंने समझाया कि हम कैसे अपने भय को स्टूडेंट के लिए भी यानी कि यूज़फुल है कि हम अपने भय को, बचपन के भय को कैसे, हाउ कैन बी ओवरकम, कैसे जीत सकते हैं। इट हैड हैपन्ड व्हेन आई वॉज 10 or 11 ईयर्स ओल्ड, आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। तो ऑथर हमें बताते हैं कि जब वो यानी कि 10 साल के थे तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो यानी कि तैरना सीखना चाहते थे। देयर वॉज ए पूल एट द YMCA इन याकीमा। ही ऑफर्ड दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। उनके पास में ही एक YMCA स्थान पर याकीमा में एक यानी कि पूल था जो सही अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर देता था। द याकीमा रिवर वॉज टेचरस, टेचस मीन्स होता है धोखेबाज। तो उन्हें लगा कि जो याकीमा में नाम की रिवर है वो काफ़ी धोखेबाज थी क्योंकि उसमें यानी कि बोल्डर्स थे, पानी ज़्यादा गहरा था तो वहाँ पे वो नहीं जाना चाहते थे तैरने के लिए। मदर कंटिन्यूअली वार्न अगेंस्ट इट, और उसकी माँ भी उसको बार बार उसके यानी खिलाफ चेतावनी देती थी कि रिवर पर मत जाना, वो बहुत डीप है, बहुत ज़्यादा उसमें बोल्डर्स हैं, यानी कि ही में लॉस्ट हिज लाइफ। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द
डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉनिंग इन द रिवर, और उसकी मदर ने उसे बताया कि जो लोग डूबे थे उनकी वो उसको हिस्ट्री भी समझाती थी। बट द YMCA पूल वॉज सेफ, लेकिन जो YMCA में पूल था वो काफ़ी सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2-3 feet डीप एट द सेलो एंड, जो यानी उथला किनारे थे वहाँ पे केवल 2-3 feet गहरा था, और जो अदर एंड था वहाँ पे वो 9 feet गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर, और दूसरे छोर पे वो यानी 9 feet गहरा था बस। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और जो उसका जो ढाल था वो धीरे धीरे था। आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल, ऑथर बताते हैं कि उन्होंने एक पेयर वाटर विंग्स लिए जिनकी सहायता से यानी वो तैरना चाहते थे और पूल पे गए। आई हेटेड टू वॉक, नेक्ड इन टू इट एंड सो माई स्किनी लेग्स। ऑथर हैड हेजिटेशन बिकॉज ही हैड वेरी थिन लेग्स, ही डिड नॉट लाइक टू सो हिज नेक्ड स्किनी लेग्स, बट आई सब्ड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। सब्ड्यूड मीन्स कहते हैं ओवरकम, लेकिन उस पर वो नशा छाया हुआ था तैराकी सीखने का, इसलिए उन्होंने उन पे यानी कि घमंड छा गया उन पे, एंड ही डिड इट, और उसने इस काम को कर दिया, यानी कि वो नंगी टांगों से ही उस पानी में गए। फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर, एवर्जन मीन्स घृणा, शुरू से ही उन्हें पानी से घृणा थी। व्हेन आई वॉज इन इट, और जब मैं उसमें पानी में गया तो ऑथर ने फील किया कि उसे पानी से घृणा थी। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years old एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। तो ऑथर हमें बताते हैं कि जब वो 3-4 साल के थे तब उसके फादर उसको कैलिफोर्निया में सी बीच पे ले गए थे, और वहाँ पे कुछ उनके साथ गलत हुआ था। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, सर्फ का मीन्स यानी जो वेव्स हिलती हैं उनमें दोनों खड़े थे, फादर के साथ खड़े थे ऑथर। इन द सर्फ आई हंग ऑन टू हिम, और जो ऑथर थे वो अपने फादर से चिपटे हुए थे। येट द वेव्स नोक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, लेकिन फिर भी वेव्स ने उनको गिरा दिया और उनके ऊपर से जो समुद्र की तरंगें थीं वो निकल गई। आई वॉज ब्रीथ इन वाटर, माई ब्रीथ वॉज गॉन। तो ऑथर बोलते हैं कि मैं जो है पानी में डूब गया था और जो मेरी सांसें थीं वो यानी कि चली गई थी। आई वॉज फ्राइटन्ड, मैं भयभीत था। फादर लाफ्ड, इस बात पे उसके फादर हंसे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हर्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, लेकिन उसके मन में एक टेरर यानी कि भय फैल गया कि जो यानी कि ओवर पावरिंग यानी कि बहुत मजबूत यानी काबू पा लेने वाली तरंग थी, उनसे उसके मन में भय छा गया। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमरीज एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर। तो जब से फिर से वो जब YMCA पूल पे गए, स्विमिंग पूल पे गए, तो वो जो रिवाइव कहते हैं पुनर्जीवित हो गई उसकी जो दुखद स्मृतियाँ थीं, और एंड स्टर्ड कहते हैं हिलाना, और जो उसकी बचपन की यानी कि कभय था उसको वहाँ उस YMCA पूल पे जाके वो हिल गया, यानी कि वंस अगेन ही बिगेन टू फील सेम टेरर एज ही फेल्ट व्हेन ही वॉज ए चाइल्ड 3 or 4 years ओनली। बट इन ए लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन ऑथर बोलता है कुछ ही देर में मुझको यानी कॉन्फिडेंस आ गया। आई पेडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, और बोलता है कि मैंने अपने नए वाटर विंग्स के साथ पेडलिंग किया, यानी उसमें कुछ यानी कि पानी को इस तरह से आगे यानी कि काटा। वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दैम, एपिंग मीन्स इमिटेटिंग, दूसरे बच्चों को देख के ऑथर ने उनकी नकल करते हुए तैरना सीखा। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, तो अलग अलग दिन पे ऑथर ने यानी कि इस काम को 2-3 बार दोहराया। एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन। तो ऑथर काफ़ी यानी कि
आसानी महसूस करने लगा था शुरू में, लेकिन तभी ये जो है मिस एडवेंचर उसके साथ घटित हुआ, उसके साथ में यानी कि एक गल यानी कि मिसफॉर्चून घटित हो गया। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर। तो एक दिन ऐसे टाइम पे ऑथर पूल पे पहुँचे जब कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, द वाटर वॉज स्टिल, पानी शांत था, स्थान भी शांत था, एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज ए बाथटब। और जो रिवर की यानी कि जो उसकी जो पूल की जो यानी कि बॉटम थी उसमें टाइल बिछी हुई थी और वो जो है बिल्कुल साफ चमक रही थी और बिल्कुल यानी तालाब साफ था, इस तरह से साफ था जैसे कोई बाथटब होता है। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। ऑथर को भय था, वो अकेला नहीं जाना चाहता था, ही डिड नॉट वॉन्ट टू एंटर इन द एंटर द पूल एलॉन, सो ही वेटेड फॉर ए टाइम, उसने बैठ के इंतजार किया। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन कम ए बिग ब्रीजर ऑफ ए बॉय, द ऑथर व्हेन द ऑथर वॉज वेटिंग ऑल ऑफ ए सडन ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एग्रेसिव बॉय केम देयर, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड। तो ऑथर बताते हैं वो लगभग 18 साल का था। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती पे वो बोलता है कि बहुत सारे घने सारे बाल थे उसके। ही वॉज ए ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमैन, यानी शारीरिक रूप से वो काफ़ी यानी कि सुंदर शरीर वाला लड़का था। विद लेग्स एंड आर्म्स, और उसकी यानी कि टांगें और बाहें भी काफ़ी यानी कि मजबूत थी। दैट सोट रिपलिंग मसल्स, और उसकी यानी कि टांगों पे आर्म्स में रिपलिंग मसल्स थी। रिपलिंग कहते हैं यानी कि टेढ़ी मेढ़ी मसल्स थी उसकी उस पर। ही येल्ड, येल्ड मीन्स चीखा, वो चिल्ला पड़ा। हाई स्किनी, अरे पतले दुबले, हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड, उसने कहा कि तुम्हें अगर मैं यानी कि डग का मीन्स टू मूव क्विकली यानी तेज़ी से तैरना तुम कैसा पसंद करोगे। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टोस्ड मी इनटू द डीप एंड, और उसने मुझको यानी ऑथर को उठाया और तेज़ी से जहाँ पानी ज़्यादा गहरा था उधर तालाब में फेंक दिया। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन, स्वेलोड वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम। तो ऑथर लैंडेड, ऑथर बोलते हैं कि मैं पानी पे ऐसे सिटिंग पोजीशन पे जाके उतरा और सोलोड वाटर, कुछ पानी भी अंदर चला गया निकल गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और तुरंत तली में चला गया। आई वॉज फ्राइटन्ड, तो ऑथर बोलते हैं कि मैं डर गया था, बट नॉट येट फ्राइटन्ड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन अभी विट्स कहते हैं बुद्धि, यानी कि मैं इतना नहीं डरा था कि मेरी बुद्धि काम ना करे। ऑन द वे डाउन आई प्लांट, वैन माई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक ए बिग जम्प। तो ऑथर ने सोचा कि जब वो नीचे जा रहा था तो ऑथर ने एक प्लान बनाई कि जब मेरे पैर तली से लगेंगे तो मैं बड़ी तकड़ी जोर जोर से जंप करूँगा ऊपर की तरफ। कम टू द सरफेस, यानी सरफेस पे आने के लिए जंप करूँगा। लाई फ्लैट ऑन इट, और पानी पे ऐसे फ्लैट लेट जाऊँगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और जो पूल का यानी कि किनारा है उधर मैं हाथ पैर मारता हुआ चला जाऊंगा। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, दोज 9 feet वर मोर देन 90। तो ऑथर को लगा कि जो 9 feet की गहराई थी वो उसको काफ़ी ज़्यादा लगी, ऐसा लगा जैसे 90 यानी कि 90 feet हो। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट। तो ऑथर बोलता है कि जब मैंने यानी कि तली को छुआ उससे पहले ही मेरे फेफड़े जो है लंग्स जो थे वो फटने को तैयार थे। बट व्हेन माय फीट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरे पैरों ने बॉटम को छुआ, आई समंड ऑल माय स्ट्रेंथ, मैंने अपनी पूरी ताकत को कलेक्ट किया बुलाया, एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, और मैंने ऊपर की ओर बहुत लंबी यानी मजबूत छलांग लगाई। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, बॉब मीन्स कम आउट। ऑथर ने कल्पना की थी कि वो पानी की सतह पर एक कॉर्क की तरह बाहर आ जाएगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, तो ऑथर बोलता है कि इसके बजाय मैं बहुत धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपन्ड माई आइज,
एंड saw nothing, ऑथर बोलता है मैंने आंखें खोली तो कुछ नहीं दिखा, बट water, water that had a dirty yellow tinge to it, यानी कि the author was able only to see water all around and its color was yellow, नीचे उसने देखा कि पीले रंग का केवल पानी था. I grew panically, तो author बोलता है कि मैं डर गया. I reached up as if to grab a rope and my hands clutched only at water, तो जब author बाहर आया तो उसने यानी अपना हाथ चलाया ग्रैब मीन्स पकड़ने के लिए कि मैं कोई रस्सी पकड़ लूँगा, लेकिन उसके हाथ ने केवल पानी को पकड़ा, क्लच्ड मीन्स पकड़ना. आई वॉज सफोकेटिंग, तो ऑथर बोलता है कि मुझे तो सफोकेटिंग हो रहा था यानी कि घुटन महसूस हो रही थी. आई ट्राइड टू येल, लेकिन मैं चीखने का प्रयास किया, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन मेरी कोई आवाज़ ही बाहर नहीं निकली. देन माई आइज़ एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, तब मेरी आँखें और नाक पानी से बाहर निकली, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मुँह पानी से बाहर नहीं निकल पाया. आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, फ्लेल्ड मीन्स थ्रेस्ड, कि मैंने जो पानी की तली थी उस पर यानी कि उसको पीटा. स्वेलोड, कुछ पानी और निकल गया. एंड चॉक्ड, और यानी कि उसका जो गला था वो रुंध गया. आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपनी टांगों को बाहर लाने का प्रयास किया, बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन वो तो बिल्कुल डेड वेट्स की तरह लटकी हुई थी टांगें, मृत यानी कि मरी हुई प्रतीत हुई. पैरालाइज्ड एंड रिजिड, यानी कि ऐसे लगा जैसे फालिस पड़ गई हो, पैरालाइज हो गया हो, एंड रिजिड और कठोर हो गई हो, मीन्स ही वॉज अनएबल टू मूव हिज लेग्स. ए ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, एक बहुत बड़ी शक्ति, ऑथर बोलता है कि एक बड़ी शक्ति मुझे पानी के नीचे ले जा रही थी. आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, यानी मैं स्क्रीन में चिल्लाया लेकिन पानी ने ही मेरी आवाज़ सुनी और कोई नहीं सुन पाया. आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, ऑथर बोलता है कि मैं फिर वापस फिर से तालाब की तली की ओर अपनी जर्नी करने लगा, फिर से तली में की ओर जाने लगा. आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, कि जब मैं यानी कि पानी नीचे गया. आई स्ट्रक एट द वाटर, मैंने पानी को पीटा. आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, जब मैं नीचे गया तो मैंने पानी को पीटा. एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन ए नाइटमेयर फाइट्स एन इरेसिस्टिबल फोर्स, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ अपनी ताकत को बढ़ाते हुए, एज वन इन ए नाइटमेयर, जैसे कोई यानी जब बुरा सपना आता है रात को. फाइट्स एन इरेसिस्टिबल फोर्स, किसी यानी कि ना रुकने वाली ताकत से जैसे कोई आदमी लड़ता है और वो कल्पना करता है कि वो उसकी जो पावर है वो यानी कि बढ़ा लेता है. आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, तो ऑथर बोलता है कि मेरी सांसें खो गई थी. माई लंग्स एक्ट, मेरे लंग्स में दर्द हुआ. माई हेड थ्रॉप्ड, मेरा दिल जो हेड सर था वो जोर जोर से धड़का. आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर आने लगे. बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटेजी, लेकिन मुझे वो फिर भी स्ट्रेटेजी यानी कि मेरी जो प्लान थी वो मुझे याद थी. आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड केम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस, एक बार फिर से ऑथर ने ही सोचा कि जब मैं तली पे जाऊंगा तो एक बिग जंप करूंगा और एक कॉर्क की तरह पानी से बाहर आ जाऊंगा. आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, उसने यही सोचा कि मैं पानी पे ऐसे फ्लैट लेट जाऊंगा. स्ट्राइक आउट विद माय आर्म्स, और अपनी हाथों से पानी को ऐसे पीटूंगा और टांगों से और हाथों से पानी को पीटूंगा. एंड थ्रेस विद माय लेग्स, और अपनी टांगों से भी पानी को पीटूंगा. देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और मैं तालाब के दूसरे किनारे पर चला जाऊँगा और सुरक्षित हो जाऊँगा. आई वेंट डाउन एंडलेसली, लेकिन ऑथर ने महसूस किया कि वो तो नीचे की ओर ही चलता जा रहा था. आई ओपन माई आईज, ऑथर बोलता है कि मैंने अपनी आँखें खोली. नथिंग बट वाटर विद ए येलो ग्लो,
तो कुछ नहीं था वहाँ पे, केवल पीले रंग का पानी था, डार्क वाटर, काला पानी भी था, दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, जिसमें से कोई भी कुछ भी नहीं देख सकता था, ऐसा पानी भी था नीचे। एंड देन सियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और तब एक बहुत तेज़ और पूरे स्टार्क मीन्स कंप्लीट भय ने मुझे पकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, वो भय जिसमें कोई समझ काम नहीं करती है। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, वो भय जो किसी नियंत्रण को नहीं जानता है। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, वो भय जिसको कोई नहीं समझ सकता है। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जिसने इस तरह डूबने को महसूस ना किया हो। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, ऑथर बोलता है कि मैं पानी के नीचे चिल्ला रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, पानी के नीचे वो बोलता है कि मुझे पैरालाइज हो रहा था। स्टिफ, मेरी बॉडी हार्ड हो रही थी। रिजिड विद फियर, यानी भय से मेरे जो अंग बॉडी लिम्स थे वो कठोर और यानी कठोर हो गए थे। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट वर फ्रोजन, और मेरे गले में चिल्लाने की आवाज़ थी वो भी लगभग जम गई थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, केवल मेरे सर में और मेरे दिल में जो धड़कन थी उसने मुझे बताया कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। ऑथर ने महसूस किया कि अभी मैं जिंदा हूँ, अभी मेरी धड़कन चल रही है, अभी मैं नहीं मरा हूँ। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ रीजन, और ऑथर बोलता है कि अचानक मेरे दिमाग में एक तर्क आया। आई मस्ट रिमेंबर टू जम्प वैन आई हिट द बॉटम, कि जब मुझे यानी मैं बॉटम को टच करूँगा तो मुझे जम्प करना है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, तो ऑथर बोलता है कि लास्ट में मैंने जो टाइल्स थी उनको टच किया। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब दैम, लेकिन मेरे पंजे ऐसे पहुँचे उस टाइल पर जैसे उनको टाइल को पकड़ना हो। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, तो ऑथर बोलता है जितनी भी ताकत मेरे पास थी उस ताकत के साथ मैंने जंप किया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस जंप से कोई अंतर नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अब भी मेरे चारों ओर था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैंने रस्सी को तलाशा। लेडर्स वाटर विंग्स, मैंने वाटर विंग्स को, लेडर्स को, रोप्स को तलाशा। नथिंग बट वाटर, लेकिन कुछ भी नहीं था, केवल पानी था। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, यानी कि जो पीले रंग का पानी का जो ढेर था उसने मुझको पकड़ लिया। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, स्टार्क कहते हैं कंप्लीट आतंक ने मुझको और ज़्यादा मुझ पर ज़्यादा छा गया। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कोई बिजली का बहुत बड़ा करंट होता है उस तरह से मुझ पर छा गया। आई सूक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, तो ऑथर बोलता है कि मैं उस पानी में यानी कि हिला कांपा भय से। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरी बाहें नहीं हिल रही थी। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरी टांगें नहीं हिल रही थी। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने हेल्प के लिए पुकारना चाहा। टू कॉल फॉर मदर, अपनी माँ को पुकारना चाहा। नथिंग हैपन्ड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको इसका कुछ पार्ट यानी कि लगभग आधा पार्ट समझा, एक्सप्लेन किया है। एंड आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द टेक्स्ट। एंड फॉर योर एंड इन वीडियो एंड फॉर योर क्वेरी आई शैल एक्सप्लेन यू इन गूगल मीट। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।